अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमने कोफ्ते बनाए हैं, तो आइए देखते हैं हमने कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे चने की दाल ली है भुनी हुई, और यहाँ पे हमने खोपरे का पाउडर लिया है और खसखस लिया है। तो सबसे पहले हम ये तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से तवे पे रोस्ट कर लेंगे एक एक करके। इस तरीके से हम तीनों चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे स्लो फ्लेम पे। इससे फ्लेवर एनहांस होता है, इसलिए हम ये कर रहे हैं सबसे पहले। तीनों चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको पीस के इसका एक फाइन पाउडर रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पाउडर रेडी कर लिया है, कितना फाइन पाउडर है। इसको अब रखेंगे हम साइड में, नेक्स्ट प्रोसीजर रेडी कर लेंगे। हमने यहाँ पे कीमा दिया है, मशीन का कीमा है, पुदीना है, कोथमीर है, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट लिया है। तो हमने जो कीमा लिया है उसका पानी अच्छे से निचोड़ कर हमें मिक्सर में डाल के पीसना है। उसमें हम पुदीना, कोथमीर और हरी मिर्ची भी ऐड करेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें हम। जो हमने पाउडर रेडी किया था उसमें हमने जो कीमे का पेस्ट अभी पीसा है उसको ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब देख सकते हैं हमारा कीमा कितना सूखा है। उसके बाद हमारे जो मसाले हैं हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, कांदे को पेस्ट कर लिया है हमने हल्का सा, ये भी ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे हम इसमें। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारे कोफ्ते की प्रिपरेशन हो रही है। इस तरीके से अच्छे से सारे मसाले हम मिक्स कर लेंगे कीमे के साथ। ध्यान रहे हमारे कीमे में पानी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हाथ में तेल लेंगे और फिर अब हम हमारे कोफ्ते के बॉल बना लेंगे इस तरीके से। हम एक साथ दो बॉल बनाते हैं और फिर दोनों बॉल को साथ में रोल करते हैं इस तरीके से। जल्दी जल्दी भी बन जाते हैं और परफेक्ट भी बनते हैं। अब हम ग्रेवी प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा कढ़ाई में तेल लेंगे। स्लाइस प्याज ऐड करेंगे इसमें हम। मैंने पूरी एक प्याज ली है यहाँ पे, और इसको अच्छे से हम पका लेंगे। तब तक पकाना है जब तक ये प्याज का बरिस्ता ना बन जाए। आप देख सकते हैं बरिस्ता बन के तैयार है, हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा जो प्याज है हम उसी में रहने देंगे क्योंकि हम आगे ग्रेवी बनानी है, बाकी का निकाल लेंगे। और इसको ठंडा होने के बाद हम मिक्सी में डाल लेंगे। हमें पेस्ट बनाना है इसका, इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही लिए मैंने 3 से 4 टेबलस्पून। उसके बाद इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर अपने मेजरमेंट के हिसाब से हमें डालना है, हमने यहाँ पे 3 चम्मच यूज़ किया है। और थोड़ा पानी हमने ऐड किया इसमें पेस्ट रेडी करने के लिए, और इसको हम पीस लेंगे। वो पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे, हमारा जो तेल है वो गर्म है। इसके बाद इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे अच्छे कलर के लिए। अब इसको चला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी भी अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। मसाले की भुनाई बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा, जो खद्दा आता है वो आ जाएगा, उसके बाद हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए स्लो आंच पे इसे पकाएंगे हम। 10 से 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कैसे ऊपर पूरी तरी आ गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे।
ध्यान रहे गैस का फ्लेम अब हमें स्लो कर देना है बिकॉज तरी हमारी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। अच्छे से भुनाई करते हुए हम इसे चलाते रहेंगे क्योंकि हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है इसमें। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून हमने लिया है यहाँ पर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसकी काफ़ी देर तक भुनाई की थी। भुनाई के बाद हमारी ग्रेवी कुछ इस तरीके की नज़र आएगी, आप देख सकते हैं। ये पक पक के एकदम अच्छी तरीके से गाढ़ी हो चुकी है, सारे मसाले हमें नज़र आ रहे हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, कंसिस्टेंसी के हिसाब से हमें पानी ऐड करना है। हमने यहाँ पे एक मग ऐड किया है। अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है। इतना पतला ये होना चाहिए क्योंकि इसमें हमें कोफ्ते ऐड करने हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें हमारे जो कोफ्ते हमने तैयार किए थे वो ऐड कर देंगे सारे एक एक करके, और इसको हम स्लो फ्लेम पे पकने रख देंगे 15 से 20 मिनट। क्योंकि हमारे कोफ्ते कच्चे हैं इसलिए हमें ज़्यादा देर पकाना है इसे स्लो फ्लेम पे। गैस बंद कर दिया है हमने, आप देख सकते हैं हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस पर हम ऊपर से कोथमीर ऐड कर देंगे। कोथमीर तो भाई जान होती है सारे खाने की, तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सालन की जो कंसिस्टेंसी है वो कितनी है, यही परफेक्ट होती है। तो हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह खाने में भी इसका जायका काफ़ी अच्छा है। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।